हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। होम लोन हरेसमेंट के खिलाफ, रिकवरी हरेसमेंट के खिलाफ। और दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, शायद कभी आपके काम आ सके अगर आप लोन केस में डेप्थ में फंस गए हैं। दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में, भयभीत होए न प्रीत, मैंने लिख रखा है। तो दोस्तों, ये सारी NBFC कंपनी या बैंक और इनके लोन या इनके क्रेडिट कार्ड, इनके किसी भी तरह के लोन को रिकवरी करने के लिए ये अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने कस्टमर का, हम लोगों का हरेसमेंट करते हैं, हमें डर दिखाते हैं, सिविल का डर दिखाते हैं, केस हो जाएगा, लीगल कर देंगे, दुनिया भर का ज्ञान आपको देते हैं, एग्रीमेंट है हमारे पास, आपने एग्रीमेंट किया है कि हाँ पैसा लेंगे तो टाइम से देंगे, हर महीने फला तारीख को देंगे। तो दोस्तों, ये सब अपने नियम कानून दिखाकर भय दिखाते हैं। तो आप भी अपने अधिकारों को जानिए, और RBI की गाइडलाइन आपके लिए भी बनी है, रिकवरी की गाइडलाइंस आपके लिए भी बनी है, RBI ने आपको भी अधिकार दिया है, बस ज़रूरत है उन अधिकारों को जानने की और उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करने की इनके खिलाफ। जब ये हरस करते हैं तो आप भी उन्हीं अधिकारों से इनको रोक सकते हैं, इनको हरस कर सकते हैं। इनको जब बंधन में आप डाल देंगे उन RBI गाइडलाइंस की, तो ये भी शांत हो जाएंगे और सही ढंग से रिकवरी करेंगे, और ये जान जाएंगे कि हाँ आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ आपको कुछ पता नहीं है, तो ये आपके ऊपर एकदम सख्त होते जाएंगे और धीरे धीरे इनके इनका मनोबल बढ़ता जाता है और आपको ये हरस करते जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि हाँ अपने भी अधिकारों को जानिए, क्योंकि RBI ने रिकवरी के अधिकार, रिकवरी एजेंट के हर चीज़ की गाइडलाइन बना रखी है और ये नहीं मानते हैं। तो कुछ सावधानियां हैं आपकी कि आपको अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे हमेशा रखना है और इनको जताना, बता भी देना है कि हाँ मेरे फ़ोन जो है हमेशा रिकॉर्डिंग में रहता है, आप रिकॉर्डिंग पे हैं, आप बोलिए आपको बोलना हो। तो ये थोड़ा सहम जाएंगे, थोड़ा दब जाएंगे, और इनको बताइए कि हाँ कि RBI गाइडलाइन क्या कहता है। आप उनका भी एजेंट का ये भय दिखाते हैं, होम विजिट का भय दिखाते हैं, तो आप बताइए कि होम विजिट के लिए RBI की गाइडलाइन क्या है, आपको क्या क्या लेके आना है, ID कार्ड, होम विजिट लेटर, और आप TRA सर्टिफाइड हो, आपने कोर्स कर रखा हो, तभी आप घर आइएगा। ये RBI की गाइडलाइंस हैं। जब आप अपने अधिकारों का डंडा उठाएंगे और इनको दिखाएंगे तो ये कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि वो जब वो बार बार भय करके दिखा रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं, तो आप भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए और भय करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं करेंगे कंपनियां। हाँ अधिकार हैं इनके, केस कर सकती हैं, लीगल जा सकती हैं, कोर्ट केस कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं करती, क्योंकि जानती हैं कि हाँ केस करने पर फिर 25 साल लग जाए कि 30 साल लग जाए कि कितना समय लगे कुछ पता नहीं, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया अपने यहाँ भारत में बहुत ही स्लो है। ऐसे ही पेंडिंग इतने केस लाखों पड़े हुए हैं, पहले उनको निपटाएगा कोर्ट की, आपका नंबर जल्दी से, इनका नंबर जल्दी से लगा के निपटा देगा, तो इस वजह से इनके पांव हाथ बंधे हुए हैं, ये कर सकते हैं, सब कुछ है इनके पास, पावर अधिकार है, पर ये जानते हैं कि हाँ आप 40-50 हज़ार 1 लाख के लिए हम कोर्ट चले गए तो हाँ, ऐसे तो दबाव बनाएंगे, प्रेशर करेंगे, दोस्तों 1 साल 2 साल में पैसा मिल जाए, 3 साल में मिल जाए, लेकिन कोर्ट चले गए तो फुर्सत 15-20 साल 25 साल की, इसलिए नहीं करते, वो केवल धमकाते हैं कि हाँ लीगल कर दूंगा, ये कर दूंगा, नोटिस में नोटिस आपके पास आएंगी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस रिकवरी एजेंट को हैंडल कर लीजिए, बाकी कहीं कुछ कोई कुछ नहीं करेगा, सारी कंपनियां सब गलत तरह का शोषण करती हैं, हरेसमेंट करती हैं। एक तो ये लोग कंपनियां दोस्तों कहें तो ये लोन दे देने का तरीका भी इनका गलत है, ये बहुत से कस्टमर का
अपने ब्याज के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में उसका इनकम प्रूफ, सही इनकम का रास्ता, सही इनकम का जरिया नहीं देखती, उसकी इनकम है सही भी नहीं है, ये ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में फटाफट लोन दे देती हैं कि हाँ मुर्गा फंसा, लेट लपेट धीरे धीरे इस पे पेनाल्टी और ब्याज जोड़ जोड़ के सब वसूल लिया जाएगा। और लेकिन हाँ इसी में जो जानते हैं लोग फिर वो फंसाते हैं इनको, हालांकि इनका घाटा बहुत जल्दी नहीं होता है, इतना ये चढ़ा देती है बैलेंस कि हाँ इनका मूलधन प्रॉफिट तो इनका निकल ही आता है, इनका नुकसान नहीं होता, लेने वाले का ही नुकसान होता है। लेने वाला लटका दे, सेटलमेंट करवा ले, सेटलमेंट में भी ये पैसा इतना जोड़ लेती हैं, उसको बढ़ा के दिखा देंगे, उसके बाद कहेंगे हाँ 50% में, 40% में, 30% में हम आपका सेटल कर देंगे। जब वो जाए तब वो सेटलमेंट तभी वो करती है जब जानते हैं हाँ मेरा पैसा डूब जाएगा, नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप हमेशा बार बार कहता हूँ अपने अधिकारों को जानिए, तभी आप इनके हरसमेंट से बच सकते हैं और इनके हरसमेंट को आप टाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ये थी छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।